हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो फैमिली हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक फैमिली है। ये फैमिली है कुकुरबिटेसी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कुकुरबिटेसी, जो कि आपके बीएससी और एमएससी के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक है। तो सबसे पहले जाने कि कुकुरबिटेसी जो है इसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या है। तो ये क्लास डाइकोट की सदस्य है, सब क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स एंड फैमिली कुकुरबिटेसी। अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि ये फैमिली जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये फैमिली जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में ये फैमिली जो है इसके 37 जेनेरा एंड 97 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो चीफ सेंटर है डिस्ट्रीब्यूशन का वो है ईस्टर्न हिमालय। तो अब देखते हैं कुकुरबिटेसी की हैबिट एंड हैबिटेट। तो ज़्यादातर जो है ये इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स होते हैं, रेयरली श्रब्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है एकेंथोसीसायोस, कभी कभी स्मॉल ट्रीज भी हो सकते हैं जैसे डेंडोसीसायोस, कभी कभी ये ट्रेलिंग क्लाइंबिंग भी हो सकते हैं, क्लाइंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर टेंडल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि टेंडल के द्वारा ये क्लाइंबर के रूप में होते हैं। रूट्स की बात करें तो टैप रूट इनमें पाई जाती है, जो ब्रांच जो होती है थिकेंड होती है क्योंकि इनके अंदर फूड और वाटर का स्टोरेज देखने को मिलता है। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है हर्बेसियस होता है, क्लाइंबिंग हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, फिस्टुलर यानी कि नली नुमा, या हम ये कह सकते हैं कि होलो स्टेम हो सकता है एंड ब्रांच्ड हो सकता है। लीफ जो है इसकी ऑल्टरनेट पीटियोलेट, पीटियोल जो है वो लॉन्ग एंड होलो होता है, सिंपल होती हैं, लॉब्ड हो सकती हैं, एक्स स्टिप्यूलेट हो सकती हैं, पामिटली कंपाउंड या पामिटली वेंड हो सकती हैं। टेंड्रिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि या तो लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होते हैं या अपोजिट टू द लीफ प्रेजेंट होते हैं। एकेंथोसीसायोस जो हैं इसके अंदर लीव्स नहीं पाई जाती, थॉर्न्स पाए जाते हैं, लीव्स की जगह थॉर्न्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यह है एकेंथोसीसायोस। इस एकेंथोसीसायोस इसके अंदर जो ये थॉर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थॉर्न्स जो हैं इसकी लीव्स का मॉडिफिकेशन है, और बेसिकली इस तरीके के टेंड्रिल्स जो हैं इनके अंदर, देखिए इसके अंदर लीव्स के अपोजिट जो हैं टेंड्रिल प्रेजेंट हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर में वेरिएशन देखने को मिलता है। देखिए फ्लावर जो हैं सॉलिटरी हो सकते हैं, रेसिमोज या साइमोज पेनिकल हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिनोस्टीमा में देखने को मिलता है। फ्लावर जो हैं रेगुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इनके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं, रेयरली बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि साइजोपिपोन में देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि यूनिसेक्सुअल है इसलिए इनकम्प्लीट होंगे, अगर मेल फ्लावर होगा तो उसमें फीमेल पार्ट नहीं होगा और जो फीमेल फ्लावर है उसमें मेल पार्ट नहीं होगा। एपीगाइनस टाइप के होते हैं, स्मॉल या लार्ज हो सकते हैं, मोस्टली वाइट और येलो होते हैं, एंड पेंटामेरस टाइप के फ्लावर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर देखने वाले हैं। पहले बात करें मेल फ्लावर की, तो मेल फ्लावर जो हैं ये लार्ज नंबर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो मेल फ्लावर में कैलिक्स कैसा होता है, 5 सेपल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, गैमोसेपेलस होता है यानी कि जो इसके सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, सेपल्स जो हैं पॉइंटेड होते हैं, रेयरली ये पेटलॉइड होता है, पेटलॉइड का मतलब पेटल जैसा होता है, कैंपेन्युलेट यानी कि बेल शेप का होता है, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट इसमें देखने को मिलता है। देखिए एक पूरा अंदर एक पूरा बाहर और बाकी जो है एक अंदर और एक बाहर ओवरलैप करते हुए पाए जाते हैं। शेप की बात करें तो इसके अंदर जो होता है इस टाइप का एस्टिवेशन के सेपल्स देखने को मिलते हैं। पहली चीज तो जो इन्होंने कही कि ये कैसे होते हैं, गैमोसेपेलस होते हैं, इनके जो एंड हैं वो पॉइंटेड होते हैं और कैंपेन्युलेट होते हैं, तो इस तरह के जो सेपल्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। मेल फ्लावर की बात करें हम, उसके बाद कोरोला की बात करें तो कोरोला में 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो अगेन गैमोपेटलस होते हैं यानी कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि
मोमोडिका के अंदर ये सिर्फ बेस से फ्यूज होते हैं, जबकि कुकुरबिटा और कॉक्सिनिया के अंदर ये पूरे के पूरे फ्यूज होते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक फ्यूज होते हैं, जबकि ल्यूफा एंड लेजिनेरिया के अंदर ये पॉलीपेटेलस होते हैं, यानी कि फ्री होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते। कैंपेन्यूलेट हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं, इनके अंदर इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो यह है वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अभी मैंने पीछे आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोसियम की। देखिए कई बार क्या होता है, आपको लगेगा कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है शायद आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप आरपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये पता होगा कि कौन सी टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन टर्म्स के ऊपर एक अलग से वीडियो होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं टैक्सोनॉमी की टर्म्स पर वीडियोस बना दूंगी। अब बात करते हैं एंड्रोसियम की। तो स्टेमंस जो हैं इसके अंदर 5 होते हैं, कभी कभी फ्री होते हैं और कभी कभी सेंटर के अंदर कंबाइंड होकर एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंथर्स जो हैं वो डाइथिकस होते हैं, एस्ट्रोज होते हैं, यानी कि अपने पॉलन्स को फ्लावर के पेरिफ्री की तरफ रिलीज करते हैं, जब पॉलन को रिलीज करते हैं। डहिसेंस जो है इनमें लॉन्गिट्यूडनल पाया जाता है या फिर कर्व्स के अंदर इस तरीके से राउंड के अंदर डहिसेंस प्रेजेंट होता है। एंड्रोसियम जो है वो अलग अलग वेज में मॉडिफाइड पाया जाता है, क्या देख लेते हैं। थैलेडियम था, ये जो फ्लावर है इसके अंदर 2 पेयर्स पाए जाते हैं स्टेमंस के, जो कि लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और इनके फिलामेंट्स जो हैं आपस में फ्यूज होते हैं और 5वां जो फिलामेंट है वो अलग होता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। ये तो हो गए इसके 4 स्टेमन जो कि फ्यूज्ड होते हैं और 1 स्टेमन जो है इसके अंदर अलग होता है। तो इस तरीके की जो मॉडिफिकेशन है वो थैलेडियंथा के अंदर देखने को मिलती है। और भी मॉडिफिकेशन मेल फ्लावर के एंड्रोसियम में पाई जाती है। दूसरे टाइप में देखिए मोमोटिका और सिट्रुलस, इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो पेयर्स में स्टेमंस हैं वो जो हैं आपस में फ्यूज्ड होते हैं, यूनियन उनकी पाई जाती है और सिर्फ 3 ही स्टेमंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। इस तरीके से 3 स्टेमंस इसमें प्रेजेंट होते हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। सिस्योस एंड सेकियम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर फिलामेंट जो है वो यूनाइट हो जाता है और यूनाइट होकर के सेंट्रल कॉलम बना लेता है और यहाँ पर एंथर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कर्ड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है और इनमें जो एंथर्स हैं वो इस तरीके से कर्ड होते हैं। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। साइक्लिन डिलीरिया की बात करें तो यहाँ पर स्टेमंस जो हैं ये भी फॉर्म यूनाइट सेंटर में यूनाइट होकर एक कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं और 2 रिंग लाइक पॉलन चैम्बर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलन्स हैं इस तरीके से फ्यूज होकर के 2 रिंग लाइक चैम्बर बनाते हैं, 1 इधर और 1 पीछे की तरफ जो है ये पॉलन चैम्बर का फॉर्मेशन करते हैं। फेवलिया की बात करें तो फेवलिया में पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि सारे के सारे पॉलन्स जो हैं फ्री होते हैं, ठीक है। इसमें 5 स्टेमंस पाए जाते हैं, सारे के सारे फ्री होते हैं और सारे के सारे जो पेटल्स हैं, फ्री पेटल्स हैं, उनके ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर इस तरीके से पेटल्स इसमें पाए जा रहे हैं तो ये यहाँ पर जो हैं इसमें स्टेमंस पेटल्स के अल्टरनेट पाए जाएंगे और सारे के सारे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और ये जो है एक प्रिमिटिव जीनस है। गाइनोसियम की बात करें तो मेन फ्लावर में गाइनोसियम या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही रिड्यूस फॉर्म के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर की। तो मेल फ्लावर की तुलना में जो फीमेल फ्लावर हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कैलिक्स जो है इनमें सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपेलस होते हैं, यानी कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं। कैलिक्स ट्यूब जो है वो ओवरी वॉल से जुड़ी हुई होती है। देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। कैलिक्स जो हैं आपस में जुड़कर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ये नीचे से ओवरी से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो एस्टिवेशन देखने को मिलता है वो होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और यहाँ पर ओवरी जो है वो सुपीरियर होती
है, यानी कि सारे के सारे फ्लोरल साइकिल जो हैं ओवरी के नीचे से निकलते हैं। कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगेन गैमोपेटेलस होता है, इंसर्टेड ऑन कैलिक्स ट्यूब। तो जो कैलिक्स द्वारा ट्यूब बनाई गई है उस ट्यूब के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इनमें भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ओवरी यहाँ पर भी सुपीरियर होती है। देखिए ये कैलिक्स है और इसी के अंदर से इस तरीके से निकलते हुए कोरोला दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद है एंड्रोसियम। अगेन ये एक फीमेल फ्लावर है, तो या तो इसमें स्टेमन्स प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर 3 या 5 स्टराइल स्टेमन्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो इनकी जो ओवरी है वो ट्राइकार्पलरी होती है, मतलब कि 3 अंडपी होती है। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है इसकी ओवरी में देखने को मिलती है। तो ये ट्राइकार्पलरी ओवरी होती है, सिनकार्पस होती है, इसका मतलब संयुक्तांडपी, यानी कि जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। ओवरी यहाँ पर इन्फीरियर होती है, यानी कि फ्लोरल साइकिल जितने भी हैं वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, यूनिलैक्युलर होती है और पैराइटल प्लेसेंटेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये फ्रूट जो सीड्स हैं वो परिधि पे, यानी कि पेरिफ्री के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके का प्लेसेंटेशन जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद करें बात ल्यूफा की, तो ल्यूफा जो है इसके अंदर ओवरी जो है वो नैरो होती है और 3 से 4 सेल्ड होती है और इनमें एग्जाइल टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ये है एग्जाइल टाइप का प्लेसेंटेशन, देखिए पेराइटल में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी ट्राइलोक्युलरी है लेकिन पेराइटल के अंदर जो लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी होते तो इसी तरीके से हैं। ठीक है, कार्पल्स इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ पर जो है सेंट्रल एक्सिस के ऊपर जो हैं सीड्स या ओव्यूल लगे होते हैं और इसके अंदर इस तरीके से जो पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है उसमें परिधि की तरफ सीड्स जो हैं लगे हुए होते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर होता है, जो डिफरेंस है वो पाया जाता है। सेकियम की बात करें तो सेकियम के अंदर ओवरी जो है वो यूनिलोक्युलर होती है, यानी कि ओनली एक ही लॉक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसमें एक सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल जो है बाईटैग्मिक होता है, बाईटैग्मिक का मतलब उसके ऊपर जो इंटैग्मेंट पाए जाते हैं वो 2 इंटैग्मेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल जो है वो स्टाउट हो सकती है, कॉलमनर हो सकती है और कभी कभी फॉग्ड स्टिग्मा के रूप में पाई जाती है, जो कि हर एक कार्पल के लिए एक फॉग की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है। फ्रूट और सीड की बात करें तो फ्रूट जो है इनमें सॉफ्ट होता है, फ्लैशी होता है, इनडहिसेंट होता है, या तो बेरी फ्रूट्स इसके अंदर पाए जाते हैं या पीपो फ्रूट जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स जो हैं कभी कभी बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं खरबूजा, तरबूज, कद्दू, यानी कि सिट्रुलस, बेनिकासा और कुकुरबिटा स्पीसीज, इनके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। एग्बेलियम की बात करें तो इसमें जो फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा टर्गिड होता है, बहुत ज़्यादा टर्गिडिटी इसमें पाई जाती है जब वो पका हुआ होता है और यहाँ पर जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है वो एक्सप्लोजन के द्वारा, यानी कि विस्फोट के द्वारा होता है। सीड्स एंड पॉलिनेशन की बात करें तो सीड्स जो हैं एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, न्यूमरस होते हैं, एम्ब्रियो स्ट्रेट होता है, कॉटिलेडन लार्ज और ऑयली होते हैं। आप देख सकते हैं तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके बीज जो हैं कैसे होते हैं। पॉलिनेशन जो है इनमें इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। यह है फ्लोरल स्ट्रक्चर। मेल फ्लावर जो है, मेल फ्लावर को अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला है एक्टिनोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल कैलिक्स 5 और गैमोसेपेलस कोरोला 5। ठीक है, या तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है या ये भी गैमोपेटेलस हो सकते हैं, या तो ये इसमें कंडीशन होती है कि ये पॉलीपेटेलस होंगे या फिर गैमोपेटेलस होंगे। एंड्रोसियम जो हैं वो 5 होते हैं, या तो फ्री होंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन होंगी, या सारे के सारे जो हैं आपस में फ्यूज होंगे।
और गाइनोसियम जो है इसमें नहीं होती, इसलिए जी जीरो लिखा है। तो ये तो हो गई बात मेल फ्लावर की। अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर जो है अगेन एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, पिस्टिलेट सेपल्स 5, गैमोसेपेलस पेटल्स 5, गैमो और पॉलीपेटेलस एंड्रोसियम 0 और 3-5, गाइनोसियम ट्राइलोक्यूलर सिनकार्पस। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर आप इसको बनाएंगे तो ये देखिए मेल फ्लावर जो है इसके अंदर बना हुआ है, ये जो है एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने जो बनाया है, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेपल। तो सेपल जो है जब फ्यूज होंगे तब तो हम इसको इस तरीके से चिपका हुआ बना देते हैं, और अगर फ्यूज नहीं होंगे तो इनको हम दूर दूर बनाते हैं। तो यहाँ पे वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन जो है कैलिक्स में देखने को मिल रहा है। कोरोला जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कोरोला में प्रेजेंट है। इस टाइप से जब हम कोरोला बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलीपेटेलस है, यानी कि फ्यूज नहीं है। और अगर ये फ्यूज होते हैं, गैमोपेटेलस होते हैं, तो हम इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर बनाते हैं। बीच में है स्टैमंस, ठीक है, तो 5 स्टैमंस यहाँ पर फ्यूज हो रहे हैं। अगर फीमेल फ्लावर बनाएंगे हम तो ये स्टैमंस यहाँ से हट जाएंगे और जो अंदर जो है वो हम ट्राइलोक्युलर ओवी बना देंगे। बस इतना ही अंतर है, इस वजह से मैंने फीमेल फ्लावर यहाँ पर फीमेल का फॉर्मूला नहीं लगाया है। इसके बाद मेंबर्स की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें तो कुकुमिस मेलो, जिसको खरबूजा कहते हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटीज भी खाने में काम में आती है वेजिटेबल एंड फ्रूट के रूप में। कुकुमिस मेलो वैरायटी मोमोडिका, जिसे फूड ककड़ी कहते हैं, कुकुमिस मेलो वैरायटी यूटिलिसिमस, जिसको ककड़ी कहते हैं, कुकुमिस सटाइवस, जिसे खीरा कहते हैं, सिट्रुलस वल्गैरिस तरबूज, सिट्रुलस वल्गैरिस वैरायटी फिस्टुलोसा यानी कि टिंडा, कुकुरबिटा मैक्सिमा कद्दू, कुकुरबिटा पीपो सफेद कद्दू, बेनिकासा हल्पीडा जिसे पेठा कहते हैं, जिसे पेठा मिठाई जो है वो बनाई जाती है, लेजिनेरिया वल्गैरिस लौकी, ट्राइकोसेंथा डायोका परवल, ल्यूफा एक्यूंटन यूला तोरई, मोमोडिका कैरेंटिया करेला, ये सब जो है इसके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वाले मेंबर्स हैं। मेडिसिंस की बात करें तो सिट्रुलस कोलोसाइंथेस एंड इग्बेलियम इलिट्रियम जो हैं इसके मेडिसिनल मेंबर हैं। ऑर्नामेंट्स की बात करें तो इनमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जैसे इकेवेलियम सेकियम साइकोस, ये सारे के सारे जो हैं वो गार्डन में एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट उगाए जाते हैं। तो ये जो थी फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसके टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स और जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले मेंबर्स हैं उनकी बात हमने की। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आपको टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो है क्लियर है तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैं अगेन फिर से आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उन पर सेपरेट लेक्चर्स बना दूंगी। तो आई होप ये टॉपिक जो है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और एंजियोस्पर्मिक फैमिली के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।